सपा विधायक इकराम कुरैशी के भतीजे की इन्वर्टर बैटरी की एजेंसी में नकदी समेत लाखों का माल चोरी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद है। मुरादाबाद के थाना गलचही क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद देहात से विधायक हाजी इकराम कुरैशी के भतीजे की दुकान के देर रात अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर लाखों रुपए की इन्वर्टर बैटरी की चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। इससे पहले भी शातिर चोरों द्वारा इसी थाना क्षेत्र में एक अन्य दुकान के भी ताले तोड़कर वहां टेम्पो खड़ा कर उसमें दुकान का माल भर कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने चोरी का माल ले जाने वाले टेम्पो को तो पकड़ लिया था, लेकिन चोरी करने वाले चोर अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। अब फिर चोरों ने समाजवादी पार्टी के विधायक के भतीजे की दुकान के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देकर मुरादाबाद पुलिस को खुली चुनौती दी है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे चोरी की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। मुरादाबाद में भी चोरों के हौसले बुलंद हैं। इस बार चोरों ने समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद देहात से विधायक हाजी इकराम कुरैशी के भतीजे की दुकान के ताले तोड़कर वहां रखे 41 इन्वर्टर में लगने वाली बैटरी और दुकान में रखी लगभग 1,00,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। शातिर चोरों को पुलिस का जरा सा भी खौफ नहीं था। सुबह के 5 बजे चोरों ने प्रिंस रोड पर रोडवेज बस स्टैंड के पास चलती आदक पर दुकान ताले तोड़े, दुकान की लाइट जलाई और फिर उसके बाद वहां एक टेम्पो में आराम से लाखों रुपए का माल भरकर निकल गए। चोरी की घटना के बाद मौके पर पहुंचे सपा विधायक सरकार और कानून व्यवस्था पर कुछ बोलने से साफ बचते नजर आए। वेरीफायर की शॉप है और काफ़ी 20 साल पुरानी शॉप है मेरी वहाँ पर, और अचानक मेरे साथ भी ऐसे ही चोरी हुई थी। मंगल को दुकान बंद थी, बुधवार की सुबह को जब मेरा एम्प्लॉय ने दुकान खोली तो ताले टूटे हुए थे, और ताले टूटने के बाद जब उसने इत्तला दी तो मैंने तुरंत पुलिस को बुलाया और देखा तो मेरा करीब 2,00,000 रुपये का सामान गायब था वहाँ से। और मैंने और पुलिस ने काफ़ी मेहनत करके ऑटो को पकड़वाया था उसको, लेकिन ऑटो पकड़ने के बाद भी चोरों का पता नहीं चल पाया। ये बड़ा एक मुश्किल है मेरे लिए कि इतनी मेहनत करने के बाद जब मैंने करीब 1 महीना अपना इसमें गवा दिया और हर तरीके से पुलिस ने और मैंने एक दूसरे की सहायता की, उसके बाद भी आज भी मैं किसी परिणाम तक नहीं पहुंच पाया हूं। तो क्या लगता है पुलिस की लापरवाही? पुलिस की लापरवाही तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो भी है उस पर कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। पुलिस को अपने मुखबिरों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई अगर हमारे साथ होती रही तो हमारे लिए सिर्फ दुकान पे ताला लगाने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता। विधायक जी, आपके परिवार के सदस्य की दुकान है, चोरी हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, मुझे तो अभी पता चला, मैं कचहरी में था, मेरी तारीख थी, वहाँ से आ रहा हूँ। पुलिस का काम है, पुलिस देखेगी अपने आप, चोरी हुई है और शायद सीसी कैमरे भी लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे, उसमें पुलिस ने देखा भी होगा। और ये तो पुलिस का काम है, पुलिस अपने हिसाब से देखेगी। क्या लगता है कानून व्यवस्था कैसी है मुरादाबाद की? कानून व्यवस्था तो पूरे उत्तर प्रदेश की लचर है, मुरादाबाद कोई क्या कहेगी। हाँ, तो ये पुलिस का अपनी जिम्मेदारी है, पुलिस देखेगी, जो पिछली चोरी पकड़ी गई होगी, जो पिछले चोर पकड़े गए होंगे उनको भी उठाएगी और पुलिस देखेगी, ये पुलिस की जिम्मेदारी।